What's up guys, welcome back to my channel. Well, तो इतने दिनों से गैप के चैप्टर्स न्यू चैप्टर्स नहीं आ रहे थे, तो इसलिए बंद थी. मैं स्टे विथ मी को कंटिन्यू कर रही थी, तो अब आ चुके हैं कुछ चैप्टर्स. तो अब आगे गैप की ये न्यू सीजन कंटिन्यू रहेगी. तो मन आजकल कुछ ज़्यादा ही इरिटेट रहती है, कॉज उसे ऑलवेज खन सैम की उटपटांग हरकतों को फेस करनी पड़ती है. मौन की फ़ोन रिंगिंग होती है. अपकमिंग कॉल की सेव नेम देखकर वो थोड़ी शॉक्ड होती है. वहाँ से खन सैम कहती है, मौन मैं तुम्हारे लिए नीचे वेट कर रही हूँ, आ जाओ हम एक साथ घर जाएंगे. मौन जल्दी से सामने मेन रोड की ओर देखती है, जो वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं थी. मेन रोड जो कि बहुत पास में ही थी, वहाँ पर खुन सैम अपनी कार लेकर उसके लिए वेट कर रही थी. क्या ये सच है, खुन सैम उसके लिए वेट कर रही है? मौन कहती है, नो खुन सैम, मैं नहीं जाऊँगी, मैं यहाँ थोड़ी और रुकूँगी. सैम कहती है, वेल आज हम दोनों एक साथ ही घर जाएंगे, तो अगर तुम नहीं आते हो तो मैं जाऊंगी और मैं तुम्हें अंदर लेके जाऊंगी. फिर कहना मत वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ पे कुछ है. खुन सैम जिन्हें ऑलवेज अपनी बात मनमानी है, अब उन्हें जो चाहिए वो उसे पाकर ही रहती है. अब मौन अगर बाहर नहीं जाएगी तो खुन सैम सच में आ जाएगी और उसे परेशान करेगी, और वो ऐसे पर्सन है जो चीज़ उन्हें चाहिए अगर वो नहीं मिलती है तो वो पूरा दिन बस मौन को ही परेशान करते रहते हैं. सैम कहती है, तो मौन तुम्हें मेरी बात माननी होगी, मैं 5 मिनट तक यहाँ पे वेट कर रही हूँ, अगर तुम नहीं आते हो तो सच में मैं तुम्हें वहाँ से उठा कर लेके आऊँगी. मौन जल्दी से कहती है, नो खुन सैम, आपको आने की यहाँ कोई नीड नहीं है, मैं भी आती हूँ. सैम कुछ कहने वाले थे पर मौन वो बिना सुना ही कॉल कट कर देती है. खुन सैम थोड़ी स्माइल करती है. मौन जल्दी जल्दी अपनी बैग पैक करती है, उसे अपने घर के लिए कुछ खरीदनी थी. यूकी कहती है, हाँ मौन तुम जल्दी घर जाओ. वो थोड़ी शॉक्ड हुई थी कि सडनली मौन ऐसे अपने बैग को पैक क्यों कर रही है. मौन कहती है, हम वो एक्चुअली खुद सैम के साथ मेरी एक मीटिंग थी पर मैं भूल गई. यूकी कहती है, क्या खुद सैम तुम्हें उठा कर ले जाएगी? मौन कोई आंसर नहीं देती है, वो बस हल्की सी स्माइल करती है. फिर मौन जल्दी से चली जाती है और खुन सैम की कार के पास आ जाती है. डोर लॉक नहीं थी, कॉज सैम पहले से ही उसे ओपन करके रखी थी. मौन अंदर जाके बैठती है. मौन कार में बैठते ही सैम उसकी ओर एक नॉटी तरीके से देखती है. मौन कहती है, क्या हुआ खुन सैम, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? सैम कहती है, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, मैं तुमसे ज़्यादा दूर नहीं जा सकती. ये कहते ही सैम बहुत फास्ट मौन की क्लोज चली जाती है. खुन सैम संभालो खुद को, मौन कहती है. नो मैं नहीं कर सकती, सैम कहती है. पर मौन की रिक्वेस्ट पर सैम अपने सीट पर जाकर बैठती है. जब तक वो दोनों साथ थी, सैम उसकी वेस्ट को होल्ड करके रखी थी. मौन कहती है, सैम मेरी वेस्ट को छोड़ो. ये कहते ही वो खुद ही सैम के हाथ को छुड़ाने की कोशिश करती है. सैम सच में मौन से ज़्यादा दूर नहीं रह सकते हैं, बट मौन थोड़ी परेशान थी कॉज सैम उसके पास आकर उसके सीट पर ही बैठ गए थे और जिससे मौन को स्पेस नहीं मिल रही थी. सैम कहते हैं, नो कोई चांस ही नहीं है, मैं ऑलवेज तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ, अगर मैं तुम्हारे क्लोज नहीं आऊँगी तो तुम मुझसे दूर भागोगे और ट्राई करोगे मुझसे दूर रहने की. नो ऐसा तो मैं नहीं होने दे सकती हूँ. ये कहते ही सैम मौन के शोल्डर पर झुकती है और मौन बस परेशान हो रही थी.
इधर उन दोनों को ऐसे देखकर जिम और कैट बस स्माइल कर रही थी। मॉन कहती है, खुन सैम मुझसे दूर जाओ, मुझे अच्छा नहीं लग रही है। तो सैम को पसंद आए या ना आए मॉन से दूर जानी पड़ती है। मॉन इरिटेट तो हो रही थी बट फिर भी स्टिल वो सैम को उसे होल्ड करने के लिए देती है। सैम जल्दी से कहती है, बट तुम यहाँ से नहीं भागोगे। मॉन खुन सैम की ओर देखती है और उसके लिप को बाइट करने के लिए जाती है बट फिर भी वो टर्न करके डोर की ओर देखते हुए कहती है, खुन सैम अगर डोर बंद रहेगी तो मैं यहाँ से भागूंगी कैसे? आप बस एडुकेटेड हो, मैंस कुछ ज़्यादा ही सोचता है। सैम इस बार स्माइल नहीं कर पाती है। मॉन तुम जब गुस्सा होते हो तो तुम बहुत अनब्लॉक दिखते हो। सैम अपने हाथ को थोड़ी लूज करती है और मॉन के शोल्डर पे अपनी हेड रखती है। तो भी जिम कहती है, तुमने कहा अनब्लॉक्ड पर बैड मूड का इससे क्या रिलेशन है? जिम जो कि कार ड्राइव कर रही थी वो बहुत परेशान हो रही थी कॉज पीछे जो दोनों बैठी है वो लोग कुछ ज़्यादा ही बात कर रही थी। ओके, तो ये सिचुएशन ऐसी है लाइक एक कार में जिम और कैट सामने बैठी हुई है और पीछे सैम और मॉन बैठे हैं। सैम कहते हैं, तुम अपनी मुंह बंद रखो, हम अलग अलग कंट्रीज से हैं। सामने जो बैठी हुई है वो थाई के नहीं है। खुन सैम के साथ ये जर्नी छोटी छोटी फाइट से भरी हुई थी। सैम और जिम वो दोनों ही बहुत ज़्यादा बात करना पसंद करती है बट इस टाइम पे वो साइलेंट ही चूज़ की थी। बट जो स्टीयरिंग को होल्ड कर रही थी वो बार बार उसे राइट और लेफ्ट घुमा दिए ताकि कार में बैठे सारे पर्सन राइट लेफ्ट हिल सके। तो कुछ टाइम बाद वो सारे लोग एक पॉपुलर रेस्टोरेंट में जाती है। कैट एक ऐसी कार लाए थी जो कि बहुत बेकार दिख रहे थे। ओके, तो एक्चुअल में सैम अपनी कार को लेकर वेट नहीं कर रहे थे, सैम अपनी फ्रेंड के साथ मॉन के लिए वेट कर रहे थे। वेल, ऐसी पोजीशन में गैप के एपिसोड्स स्टार्ट होती है लाइक समझना मुश्किल होती है कि सीन क्या है और आगे क्या हो रही है। ओके, तो कैट जो कार लेकर आई थी वो बहुत ही बेकार थी ताकि उसकी फैंस देखकर उसे पहचान ना ले। वो लोग कैट को अकेले छोड़ देती है ताकि वो अपनी फेस पर मास्क और सनग्लास लगा पाए ताकि उनकी फैंस उन्हें पहचान ना पाए, और वैसे भी प्रेस वाले तो उनके पीछे पीछे ही रहती है। खुन सैम को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है बट फिर भी कैट उन लोगों में से है जिनकी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स होते हैं। सैम कहती है, सच में कैट की कोई इंडिपेंडेंट नहीं है इसलिए वो खुद को इतनी हाइड करके रखते हैं। अगली बार से कोई मुझे पब्लिक प्लेस पर खाने के लिए नहीं बुलाएगी, अगर हम सब घर में ही लंच करते हैं तो मेरे लिए ये अच्छी होती है, कैट कहते हैं। सैम अपने दोनों हाथ ग्रैब करती है। मॉन कहती है, वही तो, चलो चलो जल्दी चलो, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सैम उसके नोज पर हिट करते हुए कहते हैं। मैं जब तुम्हारे साथ रहती हूँ तो मुझे टाइम नहीं मिलती है, तो मुझे ये सब टाइम वेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं लग रही है। मॉन डोर की लॉक को टाइटली होल्ड करते हुए सोचती है, खुन सैम ये सब में सबसे ज़्यादा ही माहिर है। सैम और जिम कुछ बातों को लेकर फाइट कर रही थी और कैट अपने डोर को लॉक करती है। फिर वो सब लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। रोड पे सैम मॉन के हाथ को होल्ड भी नहीं करती है जब तक वो लोग रेस्टोरेंट नहीं पहुँच जाते हैं। रेस्टोरेंट में पहुँचते ही सैम सोफे पर बैठ जाती है और अपने बैग को कहीं फेंक देती है। सैम मॉन के पास जाने के लिए अपने हाथ को शेक कर रही थी पर एज यूजल मॉन मना कर देती है। खुन सैम छोड़ देती है और एक मेन्यू बुक ले लेती है और उसे लेकर वो सीधा मॉन के पास जाती है ताकि मॉन अपनी फेवरेट फूड को ऑर्डर कर पाए। कैट कहती है, नो ये खाना अच्छा नहीं है, इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑयल डाला जाता है। जिम कहती है, अरे छोड़ो ना,
पेमेंट तो सैम करेगी। सैम कहती है, यहाँ पर पेमेंट की बात नहीं हो रही है, हेल्थ की बात हो रही है। मैं ये सारे फूड की पेमेंट कर दूँगी, इवन मैं इस पूरे रेस्टोरेंट को ही खरीद सकती हूँ, पर यहाँ पे बात हेल्थ की हो रही है। मॉन कहती है, ओके कंसाम, आप ही ऑर्डर कर सकते हो। तो जब तक मॉन की फेवरेट फूड नहीं आ जाती है, सैम अपने बैग पर कुछ ढूंढती है। उसे बाहर निकाल के वो मॉन को बुलाती है, वो होती है एक हेयर क्लिप। सैम कहती है, मॉन यहाँ जाओ, मैं तुम्हें ये लगा देती हूँ। मॉन खुद सैम के पास जाती है और टर्न करके बैठ जाती है। सैम बहुत प्यार से उसकी पोनीटेल पर उस क्लिप को लगा देती है। सैम जब उसकी क्लिप लगा रहे थे तो उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट मूवमेंट कर रही थी। वो दोनों इतने सालों से एक साथ तो रह रहे हैं, बट फिर भी फीलिंग्स अभी वो फर्स्ट वाली है जब वो दोनों फास्ट फास्ट अपने लव पे थी, आई मीन लव रिलेशनशिप पे, मैं कुछ भी बोल दी हूँ। वेल, तो मॉन के दिल में भी वो सेम फीलिंग्स थी, पर वो सब कुछ हाइड करती है। फिर वो लोग चैन से खाना खाती है। खाते टाइम सैम उसे बार बार बुलाती है कि उसके खाने से कुछ बाइट करने के लिए। तो आज की लंच थोड़ी रोमांटिक थी खाना कंप्लीट करने के बाद सैम एक फ्रूट को उठाती है और मॉन के सामने रख के कहती है, अगर तुम्हें हेल्दी वाइफ बनना है तो तुम्हें हर रोज़ फ्रूट खानी पड़ेगी। ये कहते ही वो अपने हाथों से मॉन के सामने उस फ्रूट को रखती है। मॉन कहती है, कंसाम मैं इसे खुद से ही खा सकती हूँ। सैम कहती है, पर मैं ये अपने हाथों से खिलाना चाहती हूँ मॉन, ताकि ये थोड़ी और रोमांटिक लगे। तभी वहाँ से जिम कहती है, वेट सैम, तुम तो बुद्धू थे ना, ऐसे क्यूट कब से बन गए? और ये सुनने में बहुत फनी लग रही है। उनकी बातों पर ध्यान ना देकर मॉन अपनी माउथ ओपन करती है, सैम उसे खिलाती है। सैम कहती है, तो इसकी टेस्ट कैसी है, अच्छी है ना? आई नो ये अच्छी है, कॉज इसे कोई ब्यूटीफुल वुमैन अपने हाथों से खिला रही है। मॉन कहती है, हाँ हाँ ये आप सोचते हो, वैसे इसकी टेस्ट अच्छी है, स्वीट भी है और खट्टा भी है। मॉन तब तक बाइट करके उसे खा रहे थे जब तक सैम उसे खिला रहे थे। उन दोनों को ऐसे देखकर वहाँ से कैट कहती है, ओह हाउ रोमांटिक। खुद सैम एक स्माइल करती है। मॉन सैम के हेड पर रब करते हुए कहती है, हाँ ये बात तो सच है, मेरी वाइफ बहुत ब्यूटीफुल है और बहुत ही स्मार्ट है। बट तभी मॉन को खाने में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, तभी जल्दी से सैम टेबल पर रखी पानी की ग्लास को लेकर मॉन को देती है। खुद सैम जो कि पब्लिक प्लेस पर बहुत सॉफ्ट पर्सन होती है, कैट और जिम बेकार में उन्हें परेशान करती है। तभी सडनली कैट कहती है, तुमने मॉन से शादी क्यों की? और जिम भी कहती है, तुम्हारी इरादा क्या है? हाँ दोनों के इस बात पे सैम मॉन की ओर देखती है और एक स्माइल करती है, एक ऐसे स्माइल जिस पर पूरी दुनिया को गुस्बम्स आ जाएगी। सैम कहती है, जब मैंने उसे फर्स्ट टाइम देखी थी, दैट टाइम आई फॉल इन लव विथ हर। उसकी आँखों की वो ब्राइटनेस, उसकी ब्यूटीफुल फेस, वो इनोसेंट स्माइल, वो सादगी जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, एंड सबसे ज़्यादा पसंद आई थी मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसकी हार्ट शेप लिप्स। ओ कंसैम कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक नहीं हो रही है? वो तो अपनी सारी बातें अपने मन में ही दबा के रखते हैं। उसके दिल में मॉन को लेकर ये सब फीलिंग्स थी। ओके सो माय क्यूटीज, तो यहाँ पे गैप न्यू सीजन के ये चैप्टर एंड होते हैं, एंड समझते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट एपिसोड को लेकर। लव यू गाइस, टेक केयर, गुड नाइट।